हे हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नाज़नीन। सो देखिए, आज मैं मार्केट गई थी तो मैं वहाँ से मौसमी लेके आई हूँ। ये देखिए कितनी फ्रेश और कितनी क्यूट लग रही है ये मौसमी, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। एंड गर्मियों में इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मौसमी, एंड गर्मियों में हमें जूस तो पीना ही चाहिए। जूस आ एवरी डे डेली रूटीन में हमें वन ग्लास लेना ही चाहिए। मौसमी बहुत अच्छी होती है, जैसे कि आप देख पाते हैं मौसमी में विटामिन सी होता है जो कि हमें बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है। और प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी इसे कैरी करना चाहिए, पीना चाहिए, बट डॉक्टर की सलाह लेकर, बिना डॉक्टर की सलाह लेके उसे नहीं लेना चाहिए। एंड डाइजेशन वो ठीक करता है, एंड पिंपल को दूर करता है मौसमी का जूस, एंड बॉडी से बैक्टीरिया को दूर करता है, एंड हेल्थ बोन्स स्ट्रॉन्ग बनाता है, एंड एनर्जी लेवल बढ़ाता है। जूस आर वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, या एंड खांसी जुखाम को भी मौसमी का जूस बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। या एंड मेरी अमायरा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है मौसमी जूस, मैं उसे डेली रूटीन में शॉर्ट बॉटल में उसे मैं जूस देती हूँ, वो उसे कैरी करती है और बहुत ही अच्छा से पीती है। उसका टेस्ट उसे बहुत अच्छा लगता है एंड मुझे भी अच्छा लगता है। एंड मैं अपने हस्बैंड को भी देती हूँ डेली मौसमी का जूस वन ग्लास। या ओके गाइस, यस आपको भी पीना चाहिए, आपको भी लेना चाहिए, मौसमी इज़ अ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। या गर्मियों में जो हमारे बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, जो वेस्ट जो कीटाणु होते हैं उनको वो दूर करता है। या मुझे तो बहुत अच्छी लगी मौसमी और मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। प्लस अगर आप मौसमी का जूस ले रहे हैं कंटिन्यू तो उसमें काला नमक डाल के खाएं, बहुत यम्मी लगती है। अगर आप मौसमी को कट करके नाइफ से कट करके खा रहे हैं तो उसमें ब्लैक काला नमक डाल के खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। यस, और प्लस इसका अचार भी लग सकते हैं आप। एक्चुअली क्या है कि मेरे मायके में, हमारे यहाँ पे ग्राउंड है, उसमें ये पेड़ लगाया है मौसमी का, ये वाला, यस। तो मेरी मम्मा तो हर साल इसका अचार रखती हैं एंड मेरे लिए भी रखा है। जब मैं अपने यहाँ ससुराल में आई थी तो मैं लेके आई थी और मैं इसको डेली कैरी करती हूँ, डेली अपने फूड में उसे एक वन पीस उसे खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड अगर आप चाहें तो आप भी इसको चाहे जूस पी सकते हैं, चाहे कट करके खा सकते हैं, चाहे आप अचार रख सकते हैं, वो जैसा आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कैरी कर सकते हैं। या और फ्रेंड अगर ये देखिए कितनी क्यूट और कितनी अच्छी लग रही है ये, यस, तो मेरे को तो बहुत पसंद है। अगर आपको भी अच्छी लगती हो मौसमी कैसी लगती है, या उसका जूस कैसा लगता है आपको, या उसका अचार कैसा लगता है, तो आप मुझे कमेंट में करके लिख के ज़रूर बताएं। एंड और कुछ आपको जो इसके रिलेटिव कुछ पूछना हो तो आप मुझे शेयर करें। एंड मुझे फ्रूट तो बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव फ्रूट। मेरी मायरा को ये मौसमी का जूस बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मैं ऑरेंज का भी जूस पिलाती हूँ उसे, एंड मैं सारे फ्रूट का जूस पिलाती हूँ। और सबसे ज़्यादा उसे फ्रूट में कोई फ्रूट पसंद है तो वो है एप्पल। या एप्पल तो वो बहुत 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 ही उसका फेवरेट है, एप्पल वो बहुत अच्छे से कैरी करती है। या मैं उसको एंड डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि बेबी हो या कोई भी हो, एप्पल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एप्पल डेली मॉर्निंग में A1 एप्पल डेली रूटीन में खाना ही चाहिए, खाना ही चाहिए। तो मैं तो फ्रेंड डेली ही फ्रूट अपनी बेबी को देती हूँ एंड अपने हस्बैंड को देती हूँ एंड मैं भी खाती हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली को देती हूँ। एंड आप भी खाइए, इंजॉय कीजिए फ्रूट को। फ्रूट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है, यस, और उससे
जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, मैं मॉर्निंग में अपने वर्कआउट करती हूँ एंड वॉक करने जाती हूँ एंड मैं अपने बेबी को भी लेके आती हूँ, मेरे हस्बैंड भी जाते हैं, तो मैं आके उनको जूस देती हूँ, मैं भी लेती हूँ, कैरी करती हूँ. या तो जूस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ पूछना हो या कुछ डिस्कस करना हो तो आप मुझे शेयर करें. ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. तो और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोई भी वीडियो न्यू डालती हूँ तो वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मेरा पहुँच जाए. या ओके फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ न्यू वीडियो के साथ. मैं कल आप सब फिर से हाजिर होंगी. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. और जितने भी आपके फ्रेंड हैं, फ्रेंड सर्कल है या कोई भी है तो आप उससे शेयर करें. ओके फ्रेंड्स, बाय बाय.